अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की रेसिपी है चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। ये बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस बनती है। सो इफ यू वुड लाइक द रेसिपी, कीप ऑन वॉचिंग। वेलकम टू देसी बर्ड देसी, चाह खाना करे क्रेजी। वेलकम टू देसी बर्ड देसी, यहाँ रेसिपीज बनाते आप कोच और फ्रेजी। इस रेसिपी के लिए चाहिए 250 ग्राम चिकन। आप चाहें तो उसको क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं या इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में भी कट कर सकते हैं। 500 ग्राम जो कि फुल पैकेट है फेटेचीनी पास्ता, 1 कप वाइट अनियन, 4 क्लोज ऑफ गार्लिक, इसको हमने फाइनली डाइस कर लिया, 1 कप मशरूम। मशरूम और गार्लिक से बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है, तो आप मेक श्योर करें इसको दाना ना भूलें। 1 चिकन स्टॉक, 1/2 कप पार्मेजान चीज़, 1/2 टी स्पून सॉल्ट, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून पेपरिका, 1/2 टीस्पून ओरिगानो। ये ऑप्शनल है, अगर आप पास्ता को एक्स्ट्रा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दें। सॉस के मसाले के लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून ओरिगानो, 1/2 टीस्पून पेपरिका, 1/4 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 कप हेवी क्रीम एंड 1/2 कप मिल्क। पार्सली हमें चाहिए गार्निश के लिए और हम थोड़ा सा सॉस में भी डालेंगे। अभी हम चिकन प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे बटर। नेक्स्ट हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। चिकन में मैंने ब्रेस्ट का और थाइस का दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ थाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड पेपरिका डाल देंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे ओरिगानो एंड चिली फ्लेक्स। चिकन हमारा तैयार हो गया है। नेक्स्ट हम पास्ता बॉईल करेंगे। उसके लिए हम पास्ता के पानी के अंदर 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे और हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे ताकि नूडल्स एक दूसरे के साथ चिपके ना। और अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। पानी बॉईल हो रहा है, अब हम इसके अंदर पास्ता डाल देंगे। और अब हम इसको साइड में रख देंगे पकने के लिए, तब तक हम सॉस प्रिपेयर करेंगे। जिस पैन में हमने चिकन पकाया था उसी पैन में हम सॉस बनाएंगे। सबसे पहले पैन में डालेंगे बटर। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को हम छोटा छोटा इसलिए कट करते हैं ताकि वो सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इतना नज़र ना आए। पास्ता भी पक गया है, इसको हमने बस 80% पकाना है, बाकी वो सॉस में पकेगा। अब हम इसका पानी स्ट्रेन कर देंगे और स्ट्रेन करने से पहले हम इसके अंदर से 1/2 कप पास्ता का पानी निकाल देंगे। प्याज को 2 मिनट्स के लिए पकाने के बाद हम इसके अंदर गार्लिक डाल देंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे मशरूम। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर चिकन क्यूब डाल देंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर डाल देंगे क्रीम एंड दूध। अब हम इसके अंदर पास्ता का जो पानी निकाला था वो डाल देंगे। ये पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि सॉस थोड़ी थिक हो जाए। जब सॉस बॉईल होने लगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे पेपरिका एंड ओरिगानो। जब सॉस थिक हो जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे चीज़।
चीज़ आप पे डिपेंड करता है आप कितनी डालना चाहते हैं। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। सॉस तैयार हो गई है, अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी सूप होता है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही पी सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। नूडल्स डालने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा पार्सले स्प्रिंकल कर देंगे। फाइनली हम इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे। फाइव मिनट्स के लिए नूडल्स को सॉस में पकने दें। पास्ता रेडी हो गया है, अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। Here we are in Lazy Bird Lazy, living in the desert of the heartbeat Stacy. We make the food to a magic show. Make your kitchen spicy disco. Let's go. Don't forget to like, share, and subscribe.